विराट कोहली वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन, आपको पता है विराट कोहली एक बेहतरीन बैट्समैन होने के साथ एक बेहतरीन बिजनेसमैन भी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विराट कोहली के करियर रिकॉर्ड के बारे में, विराट कोहली के बिजनेस के बारे में और विराट कोहली के स्पॉन्सर पोस्ट के बारे में, ब्रांडिंग के बारे में बताऊंगा, हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड चीजें बताऊंगा विराट कोहली के बारे में, कोहली कौन कौन सी चैरिटी करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, विराट कोहली के बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है ब्रजेश कोंट, आप देख रहे हैं जब फेक मैन। विराट कोहली एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, टोटल 17 कंपनियों में उनका हिस्सेदारी है। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 में हुआ था। विराट कोहली के एज अभी 32 साल है और 32 साल की एज में 980 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है विराट कोहली का। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि बीसीसीआई के द्वारा केवल 7 करोड़ रुपए सालाना मिलता है विराट कोहली को। विराट कोहली के मैक्सिमम इनकम कहां से होते हैं और विराट कोहली कौन कौन से ब्रांड से कितने करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करने से पहले विराट कोहली के क्रिकेट करियर पे एक नजर डालते हैं। विराट कोहली ने अपना पहला मैच 2008 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था। विराट कोहली ने अपना पहला T20 मैच 12 जून 2010 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। वैसे खेल के दौरान विराट कोहली का रिएक्शन काफी आक्रामक और काफी एग्रेसिव होता है और विराट कोहली का मानना है कि उनका जो एग्रेसिव एटीट्यूड है उसके वजह से उनको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। उनका ये एग्रेसिव एटीट्यूड उनको अंदर से एनर्जेटिक और अंदर से कॉन्फिडेंट बनाती है। 2011 में विराट कोहली ने अपने पहले ही विश्व कप में शतक बना के रिकॉर्ड बना दिया था और विराट कोहली पहले भारतीय हैं जिन्होंने विदेश जाकर दोहरा शतक बनाया था। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000, 3000, 4000, 5000 रन बनाने वाले एकमात्र इंडियन खिलाड़ी हैं विराट कोहली। 2013 में 52 गेंद में शतक बनाने के बाद इंडियन क्रिकेट में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। विराट कोहली सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले लिस्ट में तीसरे नंबर पे हैं, जिसमें पहले नंबर पर है सचिन तेंदुलकर। क्या आपको पता है विराट कोहली 7 बार डबल सेंचुरी मार चुके हैं। विराट कोहली पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन और किंग ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है कि 2012 में विराट कोहली का नाम टॉप 10 स्टाइलिश प्लेयर के लिस्ट में रखा गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वन ऑफ माई फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इनकम सोर्स ऑफ विराट कोहली। नंबर 1, इंस्टाग्राम। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे टोटल 114 मिलियन फॉलोअर हैं। आपको पता है विराट कोहली अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करने के 1,35,00,000 रुपए लेते हैं। वही बात करें अनुष्का शर्मा की तो अनुष्का शर्मा एक पोस्ट शेयर करने के लिए 95,00,000 रुपए से भी ज्यादा रुपए लेती हैं। नंबर 2, आईपीएल। क्या आपको पता है आईपीएल में खेलने के लिए सबसे ज्यादा पैसे विराट कोहली को दिए जाते हैं, 17 करोड़ रुपए। नंबर 3, ब्रांड इंडोर्समेंट और एडवर्टाइजमेंट। मिंत्रा ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट के लिए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 73 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। विराट कोहली के स्पॉन्सर लिस्ट में 17 से भी ज्यादा कंपनियों का नाम जुड़े हुए हैं। विराट कोहली जब एड शूट करते हैं तो एक दिन के 2.5 से 5 करोड़ रुपए लेते हैं। एक मजेदार बात यह है कि विराट कोहली ने पूमा ब्रांड के साथ की डील साइन किया है। विराट कोहली ने केवल एक ब्रांड के साथ इतने करोड़ रुपए का डील साइन किया हुआ है, तो उनके पास तो 17 से भी ज्यादा ब्रांड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैरिटी बाय विराट कोहली। वैसे विराट कोहली समय समय पर चैरिटी और डोनेशन करते रहते हैं। विराट कोहली एक बेहतरीन बैट्समैन होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। विराट कोहली क्रिकेट के अलावा बहुत सारे खेल के खिलाड़ियों को हेल्प करने के लिए 2013 में विराट कोहली फाउंडेशन का स्टार्ट किया था। विराट कोहली फाउंडेशन का मेन लक्ष्य यह है कि जो भी टैलेंटेड खिलाड़ी है उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट किया जाए। विराट कोहली चाहते हैं कि इंडिया स्पोर्ट के क्षेत्र में सबसे आगे हो, जिसके लिए वो मैक्सिमम टैलेंटेड खिलाड़ियों को गाइड करते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करने के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं उनको। वो चाहते हैं कि क्रिकेट की तरह हर इंडियन खेल, चाहे वो टेनिस हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, हर खेल को सपोर्ट किया जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। वैसे विराट कोहली का फिटनेस कितना ज्यादा शानदार है ये तो क्रिकेट ग्राउंड में देख के आपको पता लग ही रहा होगा। सब कोई उनके जैसा फिट होना चाहता है लेकिन एक्सरसाइज को ही नहीं करना चाहता। सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से बॉडी अट्रैक्टिव बनती है, जो भी ड्रेस हम लोग पहनते हैं उसमें अट्रैक्टिव लगते हैं, बॉडी में एनर्जी रहती है और जब बॉडी में एनर्जी रहती है तो पूरे शरीर में फुर्ती रहती है। नियमित एक्सरसाइज करने की वजह से विराट कोहली क्रिकेट ग्राउंड में काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं।
बात कर विराट कोहली की एक्सरसाइज की थी, तो विराट कोहली हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं। और हाँ, अगर विराट कोहली फास्ट फूड जैसे बर्गर या फिर पिज्जा खा लेते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करना पड़ता है उनको। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।